पांडेसरा विस्तार में पांच वर्ष बाळक साथ सृष्टि विरुद्ध कृत्य करनार ने सीसीटीवी केमेरा की मदद थी पोलीस धरपकड़ करी हती। समोसा खवडावानु कही अपहरण करीने लई गयो हतो। पांडेसरा गोवालक नगर में रहता श्रमजीवी परिवार में पांच वर्ष बाळक गत 25 नवेम्बरे तेमना घरनी सामे रमतो हतो त्यारे एक अजाण्य पुरुष समोसा खवडावानु कही अपहरण करी लई गयो हतो। आरोपी तेना मित्र राहुल ने मळवा माटे आव्यो हतो त्यारे आ बाळक त्यां रमता रमता आरोपी पास अंकल अंकल बोलतो पहोंची गयो हतो। बाळकना लांबा वाळ होवाथी आरोपी ने ते बाळकी होय एवुं लाग्यु हतुं जेथी तेने उचकीने 1 किलोमीटर चालतो लई गयो हतो अने सोनल इंडस्ट्रीजमां आवावरू जग्याए लई गयो हतो ज्यां पहोंचीने तेने बाळक होवानी खबर पड़ी हती। बाद में हवा संतोषी ने बाळक साथे सृष्टि विरुद्धनु कृत्य करी पाछो ते जग्या पर मूकी गयो हतो। बाळके एमनी साथे थयेली घटना अंगे पिताने जाण करता पिताए पांडेसरा पोलीस स्टेशन में फरियाद नोंधावी हती। पोलीस फरियादना आधारे आरोपीनी धरपकड करी हती। कैमरामैन हकीम शेख साथे वसीम हासमीनो रिपोर्ट आजाद न्यूज सूरत। 25 तारीख की शाम को एक बच्चा 5 साल की उम्र का घर से गायब हो गया तो घर वालों ने उसको ढूंढना चालू किया। बाद में एक व्यक्ति बच्चे को घर के आसपास छोड़ के और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद में बच्चे ने घर वालों से कंप्लेन की कि मुझे शरीर में दुखावा हो रहा है, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घर वालों ने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टर ने उनको सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में अगले दिन गई काल 26/11 को सुबह वहाँ के डॉक्टर ने MLC बना के और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक 5 साल का बच्चा जो शांतानगर पांडेसरा विस्तार का रहने वाला है उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद में पुलिस ने आसपास के एरिया के CCTV चेक करना, टेक्निकल सर्विलेंस करना चालू किया तो ये सामने आया कि बच्चा है वो 7-8 बजे घर के आसपास खेल रहा था। तो जो आरोपी है इस केस का सागर परशुराम बहरा, ये 20 वर्ष की उम्र का है और ये विष्णु नगर उदना में रहता है और मूल रूप से ये बालेश्वर उड़ीसा का रहने वाला है, छुटक मजदूरी करता है। ये अपने एक दोस्त से मिलने के लिए शांतानगर में आया था और वहाँ से एक बच्चा इसको दिखा 5 साल की उम्र के आसपास का। उस बच्चे के बाल बड़े थे और दिखने में वो लड़की जैसा लग रहा था तो ये उस बच्चे को वहाँ से ले गया और उसके बाद में फ्यूज पॉइंट के पास में सोनल इंडस्ट्रीज का जो पार्क है वहाँ पे एक खाली प्लॉट है उसमें ले जाके बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया। जब बच्चे ने विरोध किया तो उसके साथ में मारपीट भी की। पुलिस ने सारे CCTV के आधार पे और बातमीदारों के आधार पे आरोपी को आज अरेस्ट किया है। वो पुलिस की कस्टडी में है और बच्चे का सिविल हॉस्पिटल में अभी सारवार चल रहा है और बच्चा नॉर्मल है। CCTV फुटेज दिखाया है बच्चे को तो बच्चे ने कंफर्म किया है और इसके बाद में अभी आरोपी को अरेस्ट करने की और आगे की उसके आइडेंटिफिकेशन ये सब कार्यवाही आगे की जाएगी। बच्चे को वापस छोड़ गया था, बच्चा छोड़ने वाला वही व्यक्ति था? हाँ, बच्चा जब घर वाले उस दिन शाम को बच्चे को ढूंढ रहे थे तो वही बच्चे को लेके आया तो बच्चे का कोई रिलेटिव था। उसको जब बच्चा दिखा तो उसने उसको झूठ बोल दिया कि ये बच्चा 2 गली उधर रो रहा था तो मैं इसको लेके इधर आ गया। तो उन्हें उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि बच्चे के साथ में इस तरह का दुष्कर्म हो गया होगा तो उन्होंने बच्चा लेके और उसके पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया। बच्चे ने माँ बाप को नहीं बताया, हॉस्पिटल से जानकारी मिली? हॉस्पिटल से जानकारी मिली। उसके बाद में जब पेरेंट्स ने बच्चे के साथ में थोड़ा उसको समझा के प्यार से बात की तब बाद में बच्चे ने बताया।